पूर्वांचल में मजबूत पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान। यूपी की राजनीति में इस नाम की चर्चा इसलिए है क्योंकि दल बदल के खेल में इन्होंने ऐसा खेल खेला कि चुनाव आयोग को घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाना पड़ रहा है। घोसी सीट पर 5 सितंबर यानी मंगलवार को वोटिंग, तो 8 सितंबर को रिजल्ट आएगा। इस सीट पर उपचुनाव क्यों हो रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 12 फरवरी 2012 को बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान ने 16 जनवरी 2022 को बीजेपी को अलविदा कह दिया था। उसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में घोसी विधानसभा सीट से सपा के टिकट से जीते चौहान को सपा भी कुछ महीने के बाद रास नहीं आई। उन्होंने 15 जुलाई 2023 को विधानसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपकर चंद दिनों में बीजेपी में घर वापसी कर ली। पार्टी और पद से इस्तीफा देने की वजह से घोसी सीट खाली हो गई, जिस वजह से यहां दोबारा उपचुनाव हो रहा है। फिलहाल सपा के सामने इस चुनाव में सीट बचाने की चुनौती है और एक बार फिर से अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नारे की परीक्षा भी है। हाल के दिनों में अखिलेश यादव ने नया नारा या मुद्दा पीडीए के रूप में उछाला है। वही 2017 के विधानसभा चुनाव में फागू चौहान ने बीजेपी की ओर से सीट पर जीत हासिल की थी। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। घोसी की जीत और हार से विपक्ष गठबंधन इंडिया का भी यूपी में भविष्य तय होगा। अगर जीते तो अखिलेश का कद बढ़ेगा, हार गए तो मनोबल घटेगा। घोसी सीट का जातीय समीकरण क्या है, आइए समझते हैं। अखिलेश यादव के पीडीए की परीक्षा इसलिए भी होगी क्योंकि 4.20 लाख मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 85,000 हैं, दलित वोटर 70,000, यादव वोटर 56,000, राजभर 52,000 और चौहान वोटर करीब 46,000 हैं। इस जातीय समीकरण की वजह से सपा जीत की उम्मीद तो कर रही है, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जाति में आने वाली लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है। ऐसे में घोसी सीट पर लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।